आज बनाते हैं गार्लिक ब्रेड, वो भी बिल्कुल नए तरीके से, जिसे आप चाहे तो ओवन या बिना ओवन के भी बना कर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ली हूँ 2 कप मैदा और ये चम्मच का मैं यूज कर रही हूँ। इससे डालेंगे 1 टीस्पून भर के चीनी, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम डालेंगे नमक, और 1 टीस्पून डालेंगे यहाँ पे हम ड्राई एक्टिव ईस्ट। इसे हम डायरेक्ट मिक्स कर लेंगे। अगर ईस्ट जो है बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उसे आप पहले चेक कर ले, और उसे चेक कैसे करना है पहले वाली वीडियो में मैं बताई हूँ, तो आप जाके वहाँ देख के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में इसे पानी डाल के अच्छा से गूँथ लेंगे। अगर ठंड के मौसम है तो हल्का गुनगुना पानी से गूँथे, अगर गर्मी है या नॉर्मल मौसम है तो आप जैसे भी इसे गूँथ सकते हैं। तो नॉर्मल जो चपाती होती है उससे थोड़ा सा इसे हमें गीला ही रखना रहता है। इसके बाद में यहाँ पे 1 टीस्पून डालेंगे ऑयल, और इसे अच्छे से मसलेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो इसमें आटे में बहुत अच्छी सी साइन आने लगती है। तो यहाँ पे मैदा जो है अच्छे से गूँथ चुका है, डो हमारा रेडी हो गया है। तो इसे हम ढक के रख देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक इसका साइज़ जो है डबल ना हो जाए। यहाँ पे लेंगे बटर, तो यहाँ पे मैं 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही बटर का यूज कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा डाल रही हूँ लहसुन, जैसे कि गार्लिक ब्रेड है तो इसमें लहसुन की क्वांटिटी जो है ज़्यादा ही रखना है, और इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है तब तक जब तक लहसुन का जो है कलर चेंज ना हो जाए। आप चाहे तो इसे नॉर्मल बटर को मेल्ट करके भी गार्लिक को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, पर इस तरह डालने से काम थोड़ा सा और ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे लहसुन अच्छे से पक चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये अब अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम साइड रख देते हैं। और हमारा डो भी जो है 1.5 घंटे में फूल के तैयार हो चुका है। तो इस यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मक्के का आटा। आप इस नॉर्मल आटे से भी यूज कर सकते हैं, पर मक्के का आटा से जो है ब्रेड ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो इसे मैं टोटल 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेती हूँ डो को। और उसके बाद में इस तरह हाथ से ही थोड़े से लंबे कर लेंगे, और जिसमें हमें बेक करना है डायरेक्ट उसी में ही रख लेते हैं। तो इसी तरह दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे। और इसमें इस तरह कट्स लगा के इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और तब तक ओवन को जो है प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा गार्लिक जो है और बटर वो भी अच्छे से जम चुका है, तो इसे इस तरफ एक कांटे का चम्मच यानी फोर्क लेंगे और इसे मसल लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ओरिगानो या मिक्स्ड हर्ब, और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमारा गार्लिक बटर का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। 1 पिंच इसमें डाल देते हैं नमक, और एक जो साइज थोड़े से डो को मैं बचा के रखी थी, जैसे कि मैं बोली 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे, और एक को इस तरह नॉर्मल जो गार्लिक ब्रेड होती है उसी तरह बना के तैयार करेंगे। तो इसे मोटा ही बेल के तैयार करना है। उसके बाद में ये बटर और गार्लिक को चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे, और जिसमें बेक करेंगे उसी में मैं डायरेक्ट निकाल ले रही हूँ। ओवन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और डो भी थोड़े रखे रखे आप देख सकते हैं फूल चुकी है। तो इसे 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मोजरेला चीज़। तो यहाँ पर चीज़ की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और इस तरह इसको होल्ड कर देंगे। इसके ऊपर में भी गार्लिक बटर जो था उसे लगा देंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर ओरिगानो डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और इसमें कट्स लगा लेते हैं। इससे जब बेक हो जाती है तो हमें कट करना और इजी हो जाता है। यहाँ तैयार है, इसे भी ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रेड जो है बन रहा है, तो इसे मैं निकाल ली हूँ। ये अभी गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तो नीचे से अच्छे से सील नहीं था बोल के यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे क्रैक आ गया है। तो इसे अब हम इस तरह पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें कलर भी नहीं आया क्योंकि इसे हमें फिर से वापस से सेकना है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा कम ही बेक हुआ था मैं इसे निकाल ली हूँ, यानी कि कलर आने तक मैं इसे बेक नहीं की। तो इसी तरह सारे ब्रेड के पीसेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ सारे ब्रेड कट हो चुके हैं, तो अब सबके ऊपर में गार्लिक बटर जो है इस तरह लगा देंगे। इसे मैं ओवन में बेक करूँगी और बाकी को जो है मैं आपको नॉर्मल पैन में बेक करके दिखाऊंगी। अब नॉर्मल ब्रेड जो आती है मार्केट में उसको भी आप लाके इसी तरह बेक कर सकते हैं और खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है गार्लिक ब्रेड बनाने से उसका। इसके ऊपर में थोड़ा सा ओरिगानो डाल देंगे और यहाँ पे मैं एक के ऊपर में डाल रही हूँ रेड चिल्ली फ्लेक्स। इसे हमें प्री हीटेड ओवन में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे हमारा एक गार्लिक ब्रेड बन रहा है, तब तक उसे ढक के मैं रख दी और बाकी को यहाँ पे पैन लेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सारे ब्रेड के पीसेस को डालने के बाद में थोड़ी देर पकने बाद इसे हम इस तरह पलट लेते हैं। और इसके ऊपर में जो गार्लिक बटर था उसे सबके ऊपर में अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कम ही लगाएंगे, क्यों नहीं तो ये जो है जल जाती है बहुत जल्दी। और यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। सारे ब्रेड के पीसेस पे लगाने के बाद में इसे हम पलट लेंगे और दूसरे साइड में भी गार्लिक बटर को लगाएंगे। इतने ही में जो है नीचे की साइड की पक जाती है अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पक के तैयार हो चुका है, तो सबको हम फिर से पलट लेंगे और सबके ऊपर में अपने हिसाब से मोजरेला चीज़ को डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो चीज़ स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं या फिर प्रोसेस वाली चीज़ जो आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। डालने के बाद में इसके ऊपर में थोड़ा सा ओरिगानो डाल देंगे और इसे ढक के लो फ्लेम पे पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारा गार्लिक ब्रेड सीख के तैयार हो चुका है, तो जो बटर था उसी को इसी के ऊपर मैं लगा देती हूँ और इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाता है। और इस तरह इसके पीसेस जो है अच्छे से कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टोस्ट जो है यानी कि गार्लिक ब्रेड पैन में ही सीख के तैयार हो चुका है, नीचे से भी जला नहीं है आप देख सकते हैं। ये हमारा ओवन वाला भी तैयार हो चुका है, तो आप सबको सर्व कर लेते हैं। तो इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप भी इस तरह की गार्लिक ब्रेड ज़रूर ट्राई करें, एक डो से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।